नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, नज़र का इलाज तो डॉक्टर और सर्जरी से किया जा सकता है, लेकिन क्या नजरिया का इलाज संभव है? कृपया समाधान दीजिए। उसकी भी सर्जरी, समझ गए? जैसे नज़र की सर्जरी होती है, वैसे नजरिया की भी सर्जरी, पर उसके लिए वैसे सर्जन के पास जाना हो, समझ गए? आपके आई साइट में कोई प्रॉब्लम होती है, आप किसी आई सर्जन के पास जाते हो, वो आपका नज़र सुधार देता है। अगर नज़रिए में गड़बड़ी है तो पहले तो एहसास करो कि मेरा नज़रिया ख़राब है, और फिर ऐसे चिकित्सक के पास जाओ जहाँ उसकी सही शल्य क्रिया होती है। एक बात बोलूँ, गुरु को हमारे यहाँ क्या कहा गया है? जो हमारे नजरिए को बदल दे वो गुरु है। हम लोग बोलते हैं अज्ञान तिमिरान धस्य ज्ञानान जन सलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूप अंधेरे से जिसकी आंखें अंधी हो गई है, ज्ञान की अंजन सलाका से जो उनकी आंखों को खोल देते हैं, उन गुरु को हम नमन करते हैं। तो अपना नजरिया सुधारना है तो सदगुरु के शरण में आओ, समझ गए? शरण में, चरण में नहीं। सदगुरु के चरण में आने वालों के नजरिए में परिवर्तन आए कोई गारंटी नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ, गुरु चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत आओ, गुरु चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत आओ, गुरु चरणों में शरणार्थी बनकर के आओ, जीवन बदल जाए। शरण स्वीकारो, और शरण स्वीकारने का मतलब है उन्हें अपना आदर्श बनाकर हृदय में स्थापित कर लो। अपने आप नजरिया बदलेगा, जीवन की दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी।